कर रहे थे कि विशाल को लाया जाए, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? अब क्या लाया जाए, 2 ही दिन बचे हैं तो लाने का तो फायदा नहीं है। खैर बट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बाहर आके मुझे दिखा है कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है मुझे। और अगर आउट होके भी ऐसा अगर पब्लिक बोल रही है कि आप विनर हो, तो भाई फिर तो आप जीत गए हो। उनका अगर दिल, पब्लिक का दिल जीत लिया तो फिर आप शायद जीत गए हो। एक है हल्का सा मलाल है दिल के अंदर, थोड़ा सा जख्म है कि शिट क्यों यार, नहीं जाना था मुझे, 4 दिन बचे थे, जीतना था, बट कोई बात नहीं। बट आपको लगता है, आपको अदनान ने आकर इन्फॉर्म भी किया था कि कतारिया की दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप वही कंटिन्यू किए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दोस्ती आप पे भारी पड़ गई? देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था, अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूर मानता हूँ। मैंने उसको भी बोला था कि मैं बाहर निकल के तेरे से बात करूँगा, बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी दोस्ती एक इंस्टेंस पे जज नहीं करता। मैं अगर मेरा दोस्त एक बार गलत किया है तो मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ, तो आई गेस वो एक को हटा के मैं 10 अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। विशाल, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे अरमान ने आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है, उसके बाद भी वो घर के अंदर है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि वो फाइनल में दिखने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो वो तो exactly. बहुत जल्दी निकल जाते और मार खा के निकलते, लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं। तो आपने एक्शन नहीं लिया वहां पर कि बिग बॉस इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसे हमने हर सीजन में देखा है। देखो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर जब पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है और आपका जब माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है और आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और उस चीज को एक स्पेशल केस दे दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। और मैं उस टाइम पे इतना ब्लॉक हो चुका था माइंड से, मतलब मैं टूट चुका था। मैं बेसिकली मैं दिल से बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मैं, मेरे को कुछ जी, मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा था स्टार्ट से, मेरा फोकस सब गायब हो चुका था। तो मैं था वहाँ पे बट मैं नहीं था, तो आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट। उसके बाद भी आपके घर वालों को बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोली गई, अरमान ने गलत बोला है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा। अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा ज़ोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं उस फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता। बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो दिख जाता है। बट विशाल, थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने उस पूरी चीज को मैनेज किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था, पेरेंट्स के आने के बाद में कितना रिलीफ मिला एंड कितना कॉन्फिडेंट गेन कर पाया? बहुत, मतलब 2-3 दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं सोच रहा था कि शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे साथ बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे जनता, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अंदर से मुझे मालूम था ये चीज़, अंदर से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, मेरा इंट्यूशन था कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे और मेरे वर्ड्स भी गलत नहीं थे। बट क्योंकि इतने लोगों ने, मेन इसमें मैं बोलना चाहूँगा पायल को, बुद्धिहीन चाले उन्होंने करके गई हैं। जब आपको कुछ मालूम नहीं है, आप एक बारी पढ़ाई करके आओ, आप नेशनल टेलीविजन पर कुछ बोल रहे हो तो आप उसके बारे में स्टडी करके आओ, आप देखो कि मैं क्या सही बोल रही हूँ। और क्योंकि मैंने वर्ड निकाला भी था कि मैंने सुंदर बोला था, तो उन्होंने उसको बोली नहीं तुमने ये नहीं बोला था। खैर तो 2-3 दिन मैं लॉस्ट रहा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझी कि नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है मेरे घर वालों के लिए, मुझे गेम पे फोकस करना है। और उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आए तो जी बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ और मैं सोच लिया अगर मेरे ऑडियंस और मेरे माँ बाप सही समझ रहे तो मुझे घंटा फिर किसी से फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे इंसिडेंट में लोकेश ने आपको बैकस्टेप किया है, उसके बावजूद आपकी और लोकेश की दोस्ती जो है वो कायम रही एंड एक टास्क के दौरान आप दोनों ने ही एक दूसरे की पोल खोली। कहीं ना कहीं मन में एक ग्रज आपके था लोकेश को लेकर, जो आप दोस्ती के लिए दबा कर बैठे थे? नहीं, मुझे कभी ग्रज नहीं था जी। ये चीज़ मुझे बुरी ज़रूर लगी थी कि मैं चाहता था मेरा स्टैंड ले वो जगह, और एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि अच्छे इन अ गुड वे मैंने बोला, वो चीज़ मैं चाहता था वो क्लियर करे। बट खैर मैं ये भी उसको देता हूँ कि बहुत प्रेशर था वो टाइम पे, और जैसे बोला अभी भी उसने कल मीडिया इंटरव्यू में बोला कि कुछ चीज़ें जैसे 4 घंटे पहले की भी बातें याद नहीं रहती, बिग बॉस के घर में 1000 बातें होती हैं।
तो मेरा ये बोलना था, अगर तेरे को नहीं अच्छे से, तू बोलते था कि मुझे अच्छे से स्टेटमेंट नहीं याद है जो भी है, बट जहाँ तक रही बात टास्क की, तो टास्क में मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार वो एक टास्क था, हमको करना था, उसके बाद भी हम खुश नहीं थे उस चीज़ से जो हमें करना पड़ा था, और हमारे पास ये बहुत अलग किस्म की एक अजीब सा टास्क आ गया था हमारे पास, हमको करना पड़ा क्योंकि बिग बॉस ने क्लियर शब्द में लिखा था कि मजाक नहीं है, आपको ये टास्क करना है, तो फिर भी लेकिन वीकेंड पे हम सुनाया गया कि टास्क में दोस्ती तो करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, तो वो हो गया था, तो मैं और मकबूल तो रेडी रहते थे हर वीकेंड के वार पे कि चलो भाई अपने को बैठना है, अपने को सुनना है, तो नहीं, बट जहाँ तक रही बैक स्टैबिंग की, तो मैं ये बहुत कड़क शब्द है बोलने के लिए, मैं ये नहीं यूज़ करना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला ये चीज़ कि मेरा दोस्त था और दोस्त रहेगा। विशाल, आपसे कल के जान रहे प्रेस हैं कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया गया है और अरमान को बैश किया गया है थ्रू मीडिया। तो मैं इस पे एक स्टोरी भी डाला था, मैं चीज़ यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, जो जगह आप नहीं हो वो जगह पे भी अगर आपके आपके नाम की गूंज मच रही है तो आपने जिंदगी में कुछ सही करके आए हो शो में। तो विशाल आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर शौर्या ने भी काफी आपसे फाइट हुई आप दोनों के बारे में, निकलने के बाद भी काफी ज्यादा वो ग्रुप खुश नजर आई, तो आप बताना चाहें रणवीर शौर्या की गेम जिस तरीके से वो सामने वाले को चुप करा देते हैं, इवन जो अनदर कंटेस्टेंट्स है वो कहीं ना कहीं उनके एज, उनके एक पर्सनालिटी को देख के एक रिस्पेक्ट करते हुए चुप हो जाते हैं, आपको क्या कहना है उनके बारे में? रणवीर सर का मेरे को ये लगता है ना कि रणवीर सर बहुत चालाक है, वो सुमड़ी में इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया है, जितना ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, उनका हार्डवर्क है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप अगर हम अब छोटों से एक्सपेक्ट करते हो इज्जत, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि छोटे भी आपके साथ एक नेशनल टेलीविजन पे मेहनत करके आप उनको भी इज्जत दो, क्योंकि अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, खैर उन्होंने इज्जत दी नहीं लेकिन फिर भी हमने उनको इज्जत दी थी। जहाँ सना मकबूल भी प्लेटफॉर्म से, वही प्लेटफॉर्म से आती है, एक्टर वो भी है, एक्ट्रेस वो भी है, बट रणवीर सर से उनको इज्जत तो मिलती नहीं है, बल्कि उनको डोमिनेट ही किया जाता है या कोई भी चीज़ों को लेकर बोला जाता अरे है, क्या मकबूल कहना है? स्ट्रांग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सीन नहीं है उसका, वो सही है, वो कर लेगी मैनेज, और जहाँ तक रही बात रणवीर सर की बात, तो वो करते हैं, उन्होंने तो भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कह दी है मेरे और मकबूल के रिलेशन पे, ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कह दी है, बट खैर उन पे नहीं बोला गया है, कोई बात नहीं, विशाल, बट अब साई ऑडियंस केतन देखिए। पे आते हैं, साई केतन ने जहाँ एक क्लिप वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा इस ग्रुप के बंदों को उड़ना बहुत जरूरी है, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे आप चारों के ग्रुप से कि जब वो आप तीनों निकले तो जैसे मैंने बताया कि वो ग्रुप काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रही थी, बट क्या उनकी तरफ से हमने गेम प्लान नहीं देखा, एक बात बताता हूँ फ्रस्ट्रेशन क्या था? एक बात बताता हूँ आंसर कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन, साई ने निकलते निकलते कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर, किस बात का सॉफ्ट कॉर्नर है जब बताता वो हूँ आप लोगों को हेट ही करते थे? बताता हूँ, उसमें भी आऊँगा मैं। मेरे ख्याल से तो आप अगर ये सारी चीज़ें देखो तो एक चीज़ से ये समझ सकते हो कि भाई उनकी फट गई थी लिटरली, हम चारों से सब घर वालों की फटती थी कि भाई अगर ये नहीं जा रहे यहाँ से, इनको तिगड़म करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनको तिगड़म करके नहीं निकाले तो ये आखिरी तक नहीं हिलने वाले, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जो हिसाब से मुझे ऑडियंस का, जनता का प्यार दिखा है, हम चार तो नहीं हिलने वाले थे, बट बहुत सारी चीज़ें करी गई ठीक है, और जहाँ तक रही बात कि इन चारों को उड़ाना पड़ेगा, सबसे पहली बात भाई तेरे बस की बात है नहीं, तेरे बस की तो बात नहीं, तेरा पॉइंट रखने की, तू चारों को उड़ाने की क्या बात कर रहा है, तो पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जहाँ तक रही बात साई ने अगर ये बात बोली है जो कि मेरे को नहीं मालूम बोली है, तो मैं साई को एक बात बोलना चाहता हूँ, साई आपके लिए एक मैंने नया नाम निकाला, आप साई केतन या आप साइड केतन है ठीक है, तो साइड केतन इसीलिए आपने जिंदगी पूरे शो में आपने यही चीज़ बोला है कि ये एक दो दोस्ती, एटलीस्ट हम अपने दोस्ती पे तो थे, जो भी हमारे बीच में हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, जो पूछ बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को सुधारते थे, बोलते थे तुम तो लेजिट पूछ बन के घूम रहे हो, और जहाँ तक रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, तो मैंने हमेशा उसको ये चीज़ बोली है कि साई मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को सॉफ्ट, वो हमेशा बोलता था ये चीज़ कि मेरे को तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो दिल का बहुत अच्छा, मेरे को भी वो दिल का बहुत अच्छा लगता था, बट बाहर आके मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, उसने भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें बोली है, वो दिल से उतर गया है। अरमान मलिक ने आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा असैसिनेट किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आने के बाद आपको चीजें पता चली होंगी आपके फैमिली मेंबर्स से भी, व्हाट डू यू हैव टू से? वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद दो शादी करके बैठा हुआ है, तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा, और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है,
लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर सबसे ज्यादा बेशरम और गलीच इंसान मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कुछ में, इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक कि वो एक चीज बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज बोला है कि सारी चीजें उसकी कैलकुलेटिव रही है और हर एक चीज, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। विशाल, मैं आपको बताना, विशाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक के एक गलत मैसेज पहुंचे मैं ट्रॉफी जीतूं, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक गलत इंसान के हाथ में, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। भाई टेंशन मतलब तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हां तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी मैं चाहता हूं कटारिया मकबूल में से कोई उठाए, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात जो आपने पूछी कि उन्होंने बिल्कुल सिंपैथी के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपैथी की, उन्होंने मेरे निकलने पे जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है, मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये है, क्या ये इनकी जो बीवी है बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है। और जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। लास्ट में निकलते हुए आप हग करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था विशाल? इधर प्यार से हग किया था? प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चुक माफ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हग किया था तो भूल चुक माफ, ठीक है। तो खैर माफ तो नहीं किया मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं, मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं जो उनके हिसाब से, जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरा अपब्रिंगिंग अच्छा है, तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम मिल ले कोई बात नहीं, बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के बाद पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आती है कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाली की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने। हाँ तो अच्छा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से। फिर बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को, उन्होंने सॉरी भी बोला है, बट और फिर आके बाहर पलट गई ना, राइट। तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घटी रही है हाइप, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे, जितना कर रहे उतना दलदल में फंस रहे। और जहां तक रही बात चंद्रिका की, अनसेफ हो रहा था इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रिका ने ऐसा कहा है कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको सॉरी बोला है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी, अपने ना कोई किचन है पट्टी है, मेरे आंखों पे पट्टी है, ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। और जहां तक रही बात, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ़ कर दिया। और अगर बाहर आके वो कर रही तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनकी उनका माइंडसेट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू गाइज़।